बेगूसराय पुलिस को मिली एक बार फिर बहुत बड़ी सफलता, जहां बेगूसराय के बीहट गांव में 25-26 मार्च की रात रंजीत सिंह के घर में हथियारबंद अपराधियों ने लाखों रुपये की डकैती की लूटपाट मचाया, फायरिंग की भी खबर आई थी। और उसके बाद जिला अंतर्गत कई थानों में कुख्यात अपराधियों के नाम से रिकॉर्ड दर्ज, अलग अलग घटनाओं के 8 आरोपी अपराधियों में 4 अपराधी को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। वहीं खुलासा करते हुए एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि ये अपराधी आधुनिकतम तकनीक से लैस हैं और ये लोग बिल्कुल डिजिटल तरीके से अन्य अलग अलग जगहों पे लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे, छिनतई की घटना को अंजाम देते थे, जिसका मास्टरमाइंड बीहट का ही रहने वाला मोहम्मद अरवाज है, जिसके विरुद्ध कई थानों में एफआईआर दर्ज हैं और इन लोगों से पर्याप्त मात्रा में सामान भी बरामद हुआ है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एसपी अवकाश। रात्रि में बीहट में एक इब्राहिम टोला में मनीष सिंह के घर में एक गृह डकैती हुई थी, जिसमें कुछ नगद रुपए और जेवरात अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था। उस घटना के उद्भेदन के लिए, सामग्री की रिकवरी के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था SDPO सदर श्री राजेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में, जिसमें सेकेंड इंस्पेक्टर बरौनी और बरौनी अंचल के अन्य थानाध्यक्ष, साथ में टेक्निकल सेल की टीम भी इसमें लगाई गई थी। इस टीम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हुए और मैनुअली कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए, जिसके आधार पर इस कांड का उद्भेदन बहुत कम समय में कर लिया और इस घटना में शामिल कुल 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। अभी तक उनके पास से कुछ सामान भी लूटे गए, सामान बरामद हुए हैं। जो मुख्य अपराधी इसमें एक अरबाज है, पहले उसकी गिरफ्तारी हुई, जिससे पूछताछ के क्रम में उसने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए और इस गृह डकैती के अतिरिक्त अन्य और भी लूट और चोरी के केसेस हुए हैं, गृह भेदन के केसेस विगत कुछ दिनों में। जो 7 अन्य कांड है उसमें भी संलिप्तता स्वीकार की है अपनी, और इनके साथियों के नाम पता चलने के उपरांत उनके विरुद्ध भी छापेमारी की गई और उसमें से 3 लोगों को और अरेस्ट किया गया। जो केसेस और डिटेक्ट हुए हैं उनका एक विवरणी है, एक तो गृह डकैती वाला है ही बीहट में जो हुआ था, उसके अतिरिक्त सिंघौल में जो एक ज्वेलरी शॉप में लूट की गई थी, एक चक्ती छीन के ले गया था और मोबाइल उसका, उसमें भी संलिप्तता अपनी स्वीकार की इन लोगों ने। चकिया थाना में एक 24 मार्च को FZ मोटरसाइकिल लूटा गया था हथियार के बल पे, वो लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। सिंघौल में जो मोटरसाइकिल यूज़ की गई थी लूट करने के लिए, वो मोटरसाइकिल रिकवर कर ली गई है। चकिया में ही एक मोटरसाइकिल चोरी का कांड प्रतिवेदित हुआ था 26 मार्च को, वो मोटरसाइकिल भी रिकवर कर लिया गया है। 31 मार्च को रिफाइनरी में एक चोरी की घटना हुई थी, उसका भी मोटरसाइकिल रिकवर कर लिया गया है। ये सारी रिकवरीज इन लोगों के बयान, स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आगे छापेमारी करके रिकवरी की गई है। इसके अलावा FCI में ही 10 मार्च को गृहभेदन हुआ था अर्जुन चौधरी के घर पर रात्रि में, जिसमें सोने चांदी के आभूषण 25,000 रुपये और मोबाइल चुराया गया था। इसमें चोरी के आभूषण कुछ बरामद हुए हैं हम लोगों को, तो टोटल 950 करीब ग्राम सोने और चांदी के मिक्स्ड आभूषण बरामद हुए हैं। उनकी पहचान आगे माननीय न्यायालय से अनुमति कराकर उसकी TIP कराई जाएगी, जो इस गृह डकैती के जो वादी हैं उनसे और जो गृहभेदन के जो वादी थे उनसे, दोनों से पहचान कराई जाएगी। इसके अलावा गढ़हरा में एक 31 मार्च को ही चोरी किया गया था मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल रिकवर हो गई है। तेगड़ा थाना में 2 अप्रैल को एक कांड दर्ज हुआ है लूट का, इसमें 30-31 तारीख को एक व्यक्ति तेगड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए थे मोटरसाइकिल लूट लिए जाने की, लेकिन वो खबर देने के पश्चात तो कांड दर्ज करने के लिए सामने नहीं आ रहे थे, बहुत प्रयास किया गया। तो बीच में इस केस में जब इनसे पूछताछ की गई थी तो मोटरसाइकिल रिकवर हुआ, तो पता चला कि वही मोटरसाइकिल है जो उस दिन लूट रिपोर्ट किया था उन्होंने। उस मोटरसाइकिल के बारे में डिटेल आगे पता किया गया तो ये पता चला कि रूपसपुर पटना में ये मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल थी जो वहाँ पे कांड दर्ज हुआ है, और इन चोरों से इन लोगों ने मोटरसाइकिल यहाँ पर लूट लिया था, जिसका पुलिस के बयान पर ही फाइनली हम लोगों ने लूट का कांड दर्ज किया, क्योंकि वादी
जो इस केस के वादित थे चोरी के लूट के, वो टर्न अप नहीं हो रहे थे, वो एक लूट का केस दर्ज किया गया है। तो कुल 8 केसेस का डिटेक्शन इन अपराधियों के गिरफ्तारी के पश्चात हुआ है और इसमें रिकवरीज 6 मोटरसाइकिल हुई हैं, जिसमें कुछ चोरी की हैं, कुछ लूट के हैं और कुछ मोटरसाइकिल हैं जो अपराधियों द्वारा यूज़ किया गया है घटना को करने में। 4 मोबाइल, 2 मॉडेम, सोने चांदी के आभूषण करीब 960 ग्राम, राशि 15,000 रुपये, 4 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस रिकवर की गई। गिरफ्तार जो मोहम्मद अरबाज है, इसके विरुद्ध 11 केसेस हैं अभी तक जो डिटेक्ट हुए, उनको मिला के पहले के भी कुछ केसेस इनके विरुद्ध हैं। 307 के हैं, 27 आम सैक्ट का केस है, आम सैक्ट का है, वैशाली में आम सैक्ट का केस है, एक सुदर्शन कुमार उर्फ सन्नी कुमार है, मोहित कुमार, मोहम्मद समीर, ये 4 लोग हैं जो अपराधी हैं सारे। और एक सुरेश शाह की भी गिरफ्तारी हुई है, जो इन लोगों के सुखरोक्ति बयान के पश्चात ही पता चला कि आभूषण किसी को इन्होंने बेचने के लिए दे दिया है, तो उस घर पर छापेमारी की गई जहाँ से आभूषण बरामद हुआ है। और जो मंजेश नाम आया था व्यक्ति का, उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है, मंजेश की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस गृह डकैती में अन्य कुछ अपराधी शेष रह गए हैं, उनका नाम पता भी हम लोगों को चल गया है, उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है और उम्मीद है कि उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी और जो शेष रकम है लूटी गई या चोरी की गई उसकी भी हम लोग बरामदगी कर सकेंगे। ये सभी एक ही गैंग के हैं सर? ये सभी एक ही गैंग के। ये अरबाज कहाँ का है सर? अरबाज हैं आपके बीहट के ही सुधी स्थान। यही गैंग का लीडर है सर? जी, यही गैंग। कितने लोग थे सर डकैती की घटना में? जो बीहट में कुल 8 लोग थे, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई।